Good afternoon, students. Today our topic is median. We are continuing the same topic, measures of central tendency. First we have done mean, the second one is median. Median is an important measure of central tendency. ये भी बहुत important है. इसमें क्या है, here we concentrate on the middle value of the series. When we arrange the series in ascending or in descending order, हम series को या तो ascending order में कर सकते हैं या descending order में कर सकते हैं. आपने छोटी classes में maths में करा हुआ था, आपको series दी होती थी, paper सम आते थे कि आपको ascending order में लिखना है या descending में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में. तो हमने पहले जो भी हमें values दी होंगी उसको ascending या descending में लिखना होता है. नेक्स्ट क्या है, इट डिवाइड सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो 50% केसेस जो हैं वो बिलो लाई करते हैं और 50% केसेस अबव लाई करते हैं. मतलब ये बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू है, मिडल वैल्यू है. तो इसका एक और नाम है, अदर नेम इज पोजिशनल एवरेज. इसको क्या कहते हैं, पोजिशनल एवरेज, क्योंकि ये हमें पोजिशन के बारे में बताती है कि मीडियन कहाँ पे लाई करता है, क्या पोजिशन है उसकी. तो मीडियन इज दैट पॉइंट बिलो एंड अबव विच इक्वल नंबर ऑफ केसेस लाई. इक्वल नंबर ऑफ केसेस का मतलब क्या है, 50% लाई करते हैं अबव और 50% लाई करते हैं बिलो. तो मैंने अभी आपको सम अप करके बताती हूँ कि मीडियन क्या है. ये भी इम्पॉर्टेंट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, और इसको मिडल वैल्यू भी बोलते हैं. लेकिन पहले हमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है अनग्रुप डाटा की, हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे. मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ अब इसका. मीडियन निकालने का फार्मूला बेटा क्या है, सबसे पहले हम सिंपल वाला करेंगे जो है अनग्रुप्ड में. मीडियन इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर इवन है और ओड है उसको. तो अगर ओड है, पहले मैं वो करा रही हूँ. अनग्रुप्ड डाटा में फार्मूला तो सेम रहेगा. मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, साइज ऑफ, ऐसे ही लिखना है आपको, साइज ऑफ एन प्लस वन बाई टूथ आइटम. हमने पोजिशनल एवरेज निकाल लिया है इसलिए हम लिख रहे हैं n प्लस वन बाई टूथ आइटम. अब मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ. लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है 6, 10, 8, 11, 12, 7, 9. लेट सपोज ये स्टेटमेंट दी है. अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, मीडियन कैसे निकालना है बेटा. सबसे पहले देखो ये ओड है कि इवन है. ये है अनग्रुप्ड डाटा. कौन सा डाटा है ये, अनग्रुप्ड डाटा. तो इसमें सबसे पहले हमने काउंट करना है कि ये इवन है ये ओड है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एन इक्वल्स टू 7 क्या है, ये ओड है. ओड क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9. इवन क्या होती है, 2, 4, 6, 8. ये इवन होती है. जो 2 पे डिवाइड हो जाती है वो इवन है, जो 1, 3, 5, 7 2 पे डिवाइड नहीं होती वो ओड है. यानी कि अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 2 जो है इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, और 1, 3, 5 क्या है, ये ओड है. तो अब ओड नंबर्स हैं, तो n 7 है वो क्या है, ओड है. तो हमने काउंट कर लिया ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओड हैं. ठीक है जी. तो अब अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते या बढ़ते क्रम में. हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रही हूँ मैं. पहले सबसे छोटी है 6, 6 के बाद 7, ये लिख लिया, टिक कर दिया मैंने. उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12. ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. अब मैं ये फार्मूले में पुट कर दूंगी. मीडियन क्या है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम. तो मैंने क्या किया, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n, n कितना है 7, 7 प्लस 1 बाई टूथ आइटम. 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, 8 बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 4th. साइज ऑफ 7 प्लस 1 क्या हुआ, 8, 8 बाई 2 का मतलब 4th. इसका मतलब क्या हो गया, 4th आइटम. हमने देखना है 4th आइटम क्या है, हमने स्टेटमेंट में नहीं देखनी, हमने जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में किया उसमें देखना है. 1, 2, 3, 4 ये 4th आइटम है. 4th आइटम ये है, इसका मतलब मीडियन का आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आ गया हमारा. सेकेंड मैं आपको करवाने जा रही हूँ, मीडियन इन केस ऑफ इवन नंबर्स. मैं एक स्टेटमेंट दोबारा से वही लिख रही हूँ, 6, 10, 8, 11, 12, 7, 9, 13.
ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अब यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे एन कितना है, 8, एन क्या है, इवन, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है, मैंने बताया 2, 4, 6, 8 इवन है, तो यहाँ पे एन कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 इवन है। इसमें हम कैसे करेंगे ये आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। मैं इसको असेंडिंग में अरेंज कर रही हूँ, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। अब मैं वही फार्मूला लगाऊंगी, मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1, साइज ऑफ n कितना है, 8, 8 प्लस 1 बाय 2th आइटम, 8 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 9, 9 बाय 2 का मतलब कितना हुआ, डिवाइड करके देख लो, 4.5th आइटम, हमें क्या निकालना है, 4.5th आइटम। अब इवन आ गया ना, पॉइंट्स में आ गया, डेसिमल्स में आ गया, तो कैसे निकालना है, इसका मतलब है 4th आइटम प्लस 5th आइटम। अब इसी में देखना है जो हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में किया है, 1, 2, 3, 4, 4th आइटम क्या है, 9, 5th आइटम क्या है, 10, 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया, 19 बाय 2, 19 बाय 2 को डिवाइड कर लो, 2 9s are 18, 9.5, ये आंसर आ गया मीडियन का, 9.5।